नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। देश में होने वाले आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे देश में अधिकारी एक्शन में आ गए। इसी क्रम में यूपी के मऊ जनपद में भी जिला अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के साथ एसपी सुरेंद्र बहादुर एक्शन में आ गए। इस दौरान उन्होंने पूरे जिले के नगर पंचायत और नगर पालिका के कर्मचारियों सहित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खंभे और जगहों पर लगे हुए राजनीतिक होर्डिंग के साथ साथ तमाम उन होर्डिंगों को हटाया जाए जिससे चुनाव प्रचार चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूपी के नगर पालिका मऊ में शहर में किस प्रकार से नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा होर्डिंग पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नगर पालिका के कर्मचारी लगातार एक्शन में बने हुए हैं। वहीं जिला अधिकारी के साथ साथ एसपी सुरेंद्र बहादुर भी देर शाम शहर के शहादतपुरा पे निकले और उन्होंने अपनी उपस्थिति में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ शहर में लगे होर्डिंग पोस्टर्स को हटवाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नगर पालिका की जेसीबी मशीन और उनके कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं ताकि एक अच्छे वातावरण में चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें 16 मई को यूपी के घोसी लोकसभा में मतदान होना है। घोसी लोकसभा मऊ में पड़ता है, ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर साथ ही साथ चुनाव अच्छी तरीके से भी से इसको लेकर अधिकारी काफी सतर्क हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से एसपी और डीएम खुद स्वयं सड़कों पर खड़े होकर इस पूरे अभियान में जुटे हुए हैं और जिस प्रकार से होर्डिंग्स पोस्टर हटाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक्शन राजनेताओं के लिए एक पहली नज़ीर है। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। और आयोग के निर्देश में जो भी डिफ्रेसमेंट अभी पोस्टर बैनर लगे हैं उनको पहले काल ग्रहण कर लिया गया है और फिर भी पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। सर, गाड़ियों पे लगे झंडे भी उतारे जाएंगे क्या? और किस पे बैन लगेगा सर, और क्या चीज बैन रहेगा आचार संहिता लगने के बाद, क्या क्या चीज? कोई भी आदमी किसी भी संपर्क कर भी तो अपना झंडा बैनर दूसरे में आ सकता है जब उसके पास लिखित अनुमति न हो। आयोग ने इस बार अनुरोध किया है कि इको फ्रेंडली इलेक्शन कराया जाए, तो उन्होंने अनुरोध किया है सारी पार्टी से कि सभी लोग इको फ्रेंडली सामग्री का
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।